ओके सो पूरा बिगाड़ दिया इन्होंने। वैसे पर्सनली मुझे इस तरह के बीच ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट ही है। फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी हैं, कपल्स भी हैं। होसमुई से आने के बाद अब बारी थी फुकेट जाने की, तो उसके लिए मैंने की एक बस और निकल पड़ा फुकेट की ओर। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं फुकेट में आया और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आई मीन ये मेरा दूसरा दिन है। वैसे मैं कल शाम को आया था यहाँ पर और ज़्यादा समय नहीं मिल पाया मुझे कुछ घूमने का, सो मैंने जस्ट आया और थोड़ा आराम ही किया था। बाकी अब जो है फ़िलहाल मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी अच्छी जगह है फुकेट। फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा है। फ़िलहाल मैं रुका हूँ ओल्ड टाउन में, ये फुकेट का ओल्ड टाउन है तो अच्छा है। बाकी आज है सोंगक्रान फेस्टिवल, सो मैं ट्राई करूँगा कि कवर अप करने की जितने भी सोंगक्रान के इवेंट्स होते हैं, आई मीन जितने तो नहीं लेकिन कुछ जो इवेंट्स होते हैं मैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा। ओके सो पूरा बिगाड़ दिया इन्होंने, और क्योंकि ये सोंगक्रान फेस्टिवल, ये थाई न्यू ईयर है और सेम ईयर होली के जैसे ही मनाते हैं, बस कलर वगैरह नहीं स्प्लैश करते हैं, बाकी सब चीज़ें कर रहे हैं। तो बड़ा मज़ा आ रहा है आज के दिन, और ऐसा ही लग रहा है जैसे इंडिया में यूँ पूरा फेस्टिवल चल रहा है। जैसे भारत में होली का त्यौहार मनाया जाता है वैसे ही थाईलैंड में सोंगक्रान सेलिब्रेट किया जाता है। बाद में मुझे पता चला कि इसमें लोग रंगों से खेलने के बजाय पाउडर में पानी और बर्फ मिक्स करके एक दूसरे पर लगाते हैं। हाई कैलेंडर के मुताबिक इसके साथ भी नए साल का स्वागत भी करते हैं। सोंगक्रान का फेस्टिवल चल रहा है और लोग पानी में पानी मार रहे हैं, पूरा पूरा फुकेट टाउन उस पर बेहतरीन हो गया है, मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और होली के जैसे ही फेस्टिवल है उसका छोटा भाई समझ लो, क्योंकि यहाँ पर
पानी तो बहुत मारते हैं लेकिन रंग वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है। पूरे दिन भर पानी से सराबोर होने के बाद मैं पहुंचा एक मॉल के पास जहां पर कोई कॉन्सर्ट हो रहा था। यहाँ का इवेंट एंजॉय करने के बाद मैं आया एक और जगह जहाँ पर कोई और म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहा था और यह भी काफ़ी शानदार था। दूसरे दिन मैं निकल पड़ा एक ऐसी जगह जो फुकेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जिसका नाम है पटोंग बीच। पूरा एरिया है पटोंग बीच और बहुत ही बड़ा बीच है, काफ़ी टूरिस्टी बीच है। सो पटोंग बीच है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा टूरिस्टी प्लेस है, बहुत सारे लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। और फुकेट का सबसे वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग स्पॉट है ये, तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो ज़रूर विजिट करिए। वैसे पर्सनली मुझे इस तरह के बीच ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा टूरिस्टी है। और फिलहाल
जो इस एरिया का हाल है वो ये कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और कोरोना के बाद आई थिंक अब जो जाके टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं थाईलैंड में। वैसे एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से ये बीच काफ़ी परफेक्ट है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ करने के लिए हैं और बहुत ही हैपनिंग बीच है। तो अगर आपको इस तरह के बीचेस पसंद है और आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करनी है तो ये बीच आपके लिए बेस्ट रहेगा। पतोंग बीच अपनी थीम पार्टियों के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा मसाज पार्लर और बेहतरीन नाइट लाइफ के कारण लोगों के बीच है काफी पॉपुलर भी है। यहाँ पर आने से पहले मुझे लग रहा था कि शायद ये बीच मुझे उतना पसंद नहीं आएगा, लेकिन अब जब यहाँ पर आ गया हूँ तो देखने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे फुल ऑन एंटरटेनमेंट आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है यहाँ पर करने के लिए, और काफ़ी लोग काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है कई सारी, पैरा सेलिंग कर रहे हैं और काफ़ी सारे इंजॉय कर रहे हैं। तो फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी हैं, कपल्स भी हैं, तो कुल मिला के ये बहुत ही सही बीच लगा मुझे। ओके, सो दिन ढल गया है और जाने का समय हो गया है, तो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ के कुछ बेहतरीन बीचेस और शानदार व्यू पॉइंट्स, तो बने रहिए मिस्टर जर्नियर के साथ।